हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें देखना है अपने बायोलॉजी का ये चैप्टर नंबर 13 का लास्ट वाला पार्ट, जिसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये हमारे चैप्टर का नाम है, और इसका पार्ट नंबर 3 जो कि एकदम लास्ट पार्ट है। गाइस आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर ये 12, तो ठीक है, 13, 14 और 15 ये बहुत ही आसान और इकोलॉजी वाले चैप्टर है, तो इनमें कोई नोट्स कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बस इन्वायरमेंट के बारे में जानना है, कैसे फूड बनाओगे, कैसे एनिमल क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है, सब उसी के बारे में जानना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसके लिए ये टॉपिक ऐसे है कि बस आपको अगर एक बार रीड भी करते तो भी आपका हो जाता है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे नोट्स क्रिएट करके सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, कोई अगर इंक्वायरी तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, अगर आप चाहो तो मुझे यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको देख लो कि ये अभी हमको टॉपिक पढ़ना है पैरासिटिज्म के बारे में। पैरासिटिज्म बेसिकली क्या होता है, जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप होते हैं। अब आपने टैक्सोनॉमिक ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा 11th क्लास में, चैप्टर नंबर 1 जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला आपका टॉपिक था बायोलॉजी का, ठीक है। सो जो पैरासिटिज्म होता है ना, ये मतलब पैरासाइट्स का नाम आपने सुना होगा। पैरासाइट्स कहाँ रहते हैं, बेसिकली जहाँ पे भी हमारा एक ग्रुपिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज मलेरियल पैरासाइट है, तो आपने पढ़ा रहेगा चैप्टर नंबर 10 में मलेरियल पैरासाइट कहाँ होता है। मलेरियल पैरासाइट को रहने के लिए होस्ट चाहिए रहता है, होस्ट। अभी चाहे तो ये होस्ट किसको बना ले, अपने मॉस्किटो को बना ले, या तो फिर ये होस्ट अपने ह्यूमन बींग को बना ले, तो किसी को भी ये बना सकता है होस्ट। तो ऐसे पैरासिटिज्म कहाँ से इवॉल्व हुआ ये टर्म, ये बेसिकली ग्रुप में कुछ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स लाइक वर्टिब्रेट्स, यानी कि हम इंसान या कोई एनिमल, उनमें ये पैरासाइट्स रहते हैं, ये बात आपको समझनी है। बेसिकली कैसे होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब इन्हें होस्ट की जरूरत होती है, और सिंगल स्पेसीज मतलब एक सिंगल स्पेसीज वाला होस्ट ही कंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मॉस्किटो की एक स्पेसीज, वहीं पे हमारे बेसिकली मलेरियल नाम के पैरासाइट्स बहुत सारे होते हैं, आपने ने पढ़ा भी है, जैसे कि पी फैल्सीपेरम, पी वाइवेक्स, इन सब का नाम सुना होगा चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है। तो ये ऐसे पैरासाइट्स जो कि मॉस्किटो के ऊपर रहते हैं और फिर मॉस्किटो से इंसानों के अंदर आते हैं और फिर इंफेक्शंस को फैलाते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं, ये सब ये कॉन्सेप्ट जो होता है, ये पैरासिटिज्म कहते हैं कि कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे के अंदर रहेगा, फिर वहां फिर दूसरे के अंदर फैल के आएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरासिटिज्म, ठीक है, ये आपने सीखा था। नाउ बेसिकली अगर मैं बोलूं ना, तो इनके लाइफ स्टाइल और जो इंडो पैरासाइट्स होते हैं, मतलब कि जो बेसिकली किसी होस्ट के अंदर अंदर रहते हैं, मतलब होस्ट के अंदर रहते हैं। अब देखो एक्टो पैरासाइट और इंडो पैरासाइट हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 10 में। इंडो मतलब जो अंदर रहते हैं, जैसे कि अभी कोई मॉस्किटो है तो उसके अंदर अगर कोई मलेरियल पैरासाइट रहे तो उसे कहते हैं इंडो पैरासाइट, और अगर मान लो किसी स्किन की बॉडी के बाहर, मतलब बाहर कोई इंसान है और उसके बाहर अगर स्किन में कोई पैरासाइट रहे तो वो एक्टो पैरासाइट्स होता है। बहुत सारे ऐसे मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो अपना पैरासाइट है मलेरियल पैरासाइट, तो वो मॉस्किटो के अंदर जाता है और मॉस्किटो के अंदर रहते रहते अपने आप को ग्रो करता है। अपने आप को ग्रो करने में क्या करता है, जैसे कि बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स को लॉस कर देना, अधेसिव ऑर्गन्स जो बहुत सारे रहते हैं सकर्स के अंदर या किसी और चीज के अंदर, होस्ट के अंदर से उसको प्रेजेंस में लाना, ऐसे बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को या फिर और प्रोडक्टिविटी जो होती है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना, तो ये सारी चीजें मतलब होस्ट के अंदर रह के पैरासाइट्स करते हैं, ये बात आपको समझ के रखनी है। इनका लाइफ साइकिल होता है, जैसे कि आपने देखा रहेगा मलेरियल पैरासाइट का जो लाइफ साइकिल था फैल्सीपेरम का, वो भी हमने देखा था, ठीक है। तो ऐसे इनका लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब किस तरीके से ये लार्वा बनते हैं, फिर वहां से ये बड़े होकर के फिर कैसे ये ग्रो करते हैं और फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म को ये इन्फेक्ट करते हैं। तो ऐसा होता है, आप देखो यहां पे लिखा भी है मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो इनको आपको अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है। सो ये जो है, ये मतलब बेसिकली मॉस्किटो एक इनका वेक्टर होता है, जिसे हम कहते हैं होस्ट, वेक्टर का मतलब होता है होस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर रहते हैं और इसके अंदर रहकर बहुत सारी चीजों को ये स्प्रेड करते हैं, बाहर बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरासिटिज्म, मतलब उस कॉन्सेप्ट को पैरासिटिज्म कहते हैं, जैसे कि मान लो अगर कोई पैरासाइट यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट के अंदर रहता हो और उसके अंदर ग्रो करे, बढ़े आगे और खुद का ग्रोथ करने के बाद किसी दूसरे होस्ट के अंदर चला जाए, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को पैरासिटिज्म कहते हैं, यह बात आपको समझनी है। एक पैरासिटिज्म मैं आपको बताता हूं कि कैसे होता है। बेसिकली इस टॉपिक को हम ब्लड पैरासिटिज्म के नाम से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, पहले आप ये डायग्राम देख लो, ठीक है। दिस इज द क्रो, आपको पता है, और ये हमारा इंडियन कोयल है, ठीक है, कोयल, जिसे आप यहाँ पे कोयल कह सकते हो। सो यहाँ पे एक तुमको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जो हमारा यहाँ पे ये एशियन कोयल है, ये क्या करता है पता है, इसके जो मतलब चिल्ड्रंस होते हैं, तो जैसे कि देखो अभी जो कोयल मदर है वो एक बार कोयल को मतलब एग्स के थ्रू बर्थ दे देगी, लेकिन उसके बाद ना उसका जो मतलब पूरा डेवलपमेंट है वो कोयल की मदर कभी नहीं करती, उस कोयल का जो डेवलपमेंट है वो सारा का सारा क्रो करता है, ठीक है, ये बात आपको समझना है। जो नेस्ट होगा वो नेस्ट भी सेम क्रो का ही इस्तेमाल होता है, मतलब
टोटली क्रो डेवलप करता है, क्रो लाके उसे फूड फीड कराता है, क्रो उसे नेस्ट में रखता है अपने नेस्ट में, उसको सिक्योरिटी क्रो प्रोवाइड करता है कोयल को। लेकिन जब ये एशियन कोयल डेवलप होती है एंड जब इसकी वॉइस निकलती है तो इसकी वॉइस कितनी सॉफ्ट होती है, तो उसके ये क्रो इसको पहचानता है और बाद में फिर इसको डेवलप करना छोड़ देता है। मतलब कि बस यहाँ पे कौए के साथ क्या हो रहा है, क्रो के साथ क्या हो रहा है, धोखा। ठीक है, ये बात आपको समझना है। बट फिर भी दिस इज दी ब्लड पैरासिटिक एग्जाम्पल। सो पैरासिटिक जो बर्ड एशियन कोयल रहती है, सो ये क्या होता है, ये मतलब बेसिकली क्रो के हैच में यानी कि जो नेस्ट है उसके अंदर यहाँ पे कॉमन इंडियन क्रो के इसे ग्रो कराता है। और बाद में पता चलता है कि जो ये कोयल मतलब क्यों वो तो जानते हो ऐसा, क्रो सोचता है कि ये जो कोयल है ये कोयल रियलिटी में क्रो है, ये मतलब कोयल है ही नहीं। बाद में सिर्फ इसकी वॉइस से पता चलता है कि ये तो क्रो है ही नहीं, ये तो कोयल है। मतलब जिसको अभी तक क्रो ने पाला वो कौन था, ये कोयल था ना कि क्रो। ठीक है, सो ऐसा पता चलता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंडो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्लड पैरासाइट्स। ठीक है, तो यार बस मतलब कंफ्यूजन होता है क्रो को कि वो भी एक क्रो का ही एग है, इतना तुम्हें समझना है। और जो कोयल रहता है, कोयल वो क्या करता है, वो अपने एग को बस क्रो के नेस्ट में डाल देती है बस, और उसी को क्रो क्या समझता है, क्रो समझता है कि ये रियलिटी में क्रो ही है, मतलब कि कोयल नहीं है। बाद में जब वो डेवलप होता है तो वो तो कोयल ही बन के निकलेगा। तो ये बातें आपको समझनी है। सो बस यही पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द ब्लड पैरासिटिज्म। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कोयल ने क्या किया, अपने जो क्रो है उसके हैच उसके नेस्ट में रह करके अपना डेवलपमेंट करा और बाद में उड़ जाता है। ठीक है, तो दिस इज द एक और पैरासाइट्स हो गया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं प्रेडेशन के बारे में, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेडेशन। ठीक है, तो गाइस आपको बता दूं, जब जब भी कभी भी हम प्रीडेटर की बात करते हैं तो हमेशा हमारे माइंड में टाइगर या फिर किसी डियर की बातें हमेशा माइंड में आती हैं। बट आपको बता दूं कि बहुत सारी स्पैरो ईटिंग सीड्स, मतलब इस प्रीडेटर मतलब क्या कि जो ज्यादा ताकतवर है वो दूसरे कमजोर को मारता हो, उसे हम कहते हैं प्रेडेशन। ठीक है, तो जैसे कि स्पैरो हो और वो सीड को खा लेता है, तो ये मतलब कभी ये लेस प्रीडेटर से कम नहीं है, ये भी बहुत सारे प्रेडेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, और तो बता दूं ये बहुत सारे हर्बीवोरस मतलब जैसे बर्ड्स है अभी, तो ऐसे बहुत सारे बर्ड्स है हर्बीवोरस मतलब जो हर्ब्स को खाते हो, मतलब ग्रास को, ऐसे बहुत सारे ग्रेजर्स होते हैं एनिमल्स में। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मतलब पॉपुलेशन के अंडर कंट्रोल होता है इनमें। और प्रेडेटर्स क्या करते हैं, बेसिकली किसी की भी पॉपुलेशन को बचाते हैं। अब अगर सपोज अगर डियर का हंटिंग ना हो, अगर कोई भी मतलब अगर टाइगर डियर की हंटिंग ना करे तो आप बताओ जरा डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। बट इट्स ओके, अपने को क्या करना है, अगर जरूरी थोड़ी कि हंटिंग करना है। कोई नॉन वेजिटेरियन बोलेगा कि अगर हम प्रेडेशन नहीं करेंगे किसी भी फिशेस का तो फिशेस ओशन में बहुत बढ़ जाएंगे और कोई नहीं रहेगा, सिर्फ फिशेस ही फिशेस रहेंगे। तो अगर आप नहीं करते हो तो फिर वो क्या फिशेस लाइफ टाइम के लिए रहेगी क्या उधर? कुछ ना कुछ तो नेचर सॉल्यूशन निकालेगा ना। क्या आज से 1000 साल पहले अगर नहीं खाते थे तो क्या मतलब फिश बढ़ती थी क्या? तो ऐसा होता है सारी चीजें, ये बातें आपको समझ के रखनी है। तो ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट है जहां पे पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन की डेंसिटी कंट्रोल में आती है प्रेडेशन की, जैसे अगर कोई एक दूसरे को किल करता है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने एक लोकस्ट का नाम सुना होगा, लोकस्ट की डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। बेसिकली एग्रीकल्चरल लैंड में लोकस्ट बहुत सारे बढ़ते हैं, आपको पता होगा, और लोकस्ट की डेंसिटी भी प्रेडेशन की जैसे ही किल होती है। मतलब बहुत सारे आपने सुना होगा लोकस्ट, आपको मालूम होगा ना क्या वो इंसेक्ट रहते हैं जो क्रॉप्स को खा जाते हैं, उन्हें हम लोकस्ट कहते हैं। जैसे ये भी एक टाइप की महामारी है, अगर जिस कंट्री में लोकस्ट आ जाए समझ लो वो उस कंट्री की एग्रीकल्चरिंग सिस्टम खत्म, क्योंकि ये एक झटके में बहुत टाइम ही लगता है और कम से कम 10 एकर्स की जमीन तक के एग्रीकल्चर को ही खा लेते हैं, क्रॉप्स को खत्म कर देते हैं। इतने खतरनाक इंसेक्ट उड़ने वाले होते हैं और इनको मारने का कोई तरीका भी नहीं होता। तो इसके लिए ना बहुत सिस्टम से यहां पर रहना पड़ता है, और इनकी भी डेंसिटी अगर इंक्रीज होती है तो प्रोडेशन के थ्रू हम इनको भी किल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम से बहुत सारे एग्रीकल्चरल मेथड्स को हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं, और तो और मतलब रेगुलेट करते हैं पॉपुलेशन को। मतलब प्रेडेटर्स क्या करते हैं, बेसिकली पॉपुलेशन ज्यादा ना हो कम ना हो इसका कंट्रोल प्रेडेशन की वजह से ही होता है। ये बातें आपको अच्छे से समझ कर रखनी है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे आपको समझ कर भी रखना है। और तो और मतलब जो स्पेसीज है उनकी अंदर डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना, ये भी प्रेडेशन का ही काम है। अब मान लो अगर डियर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उनको किल करके खाएगा तो फिर नए नए डियर आएंगे तो उनके अंदर डाइवर्सिटी भी होगी। तो इस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल बेसिकली प्रेडेशन की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हो एक तितली है, आपको दिख रहा होगा यहां पे, जिसे हम बटरफ्लाई भी कह सकते हैं। तो ये इसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर को शो कर रहा है, ठीक है, ये बात आपको समझ नहीं है। तो वैसे ही तितली बन के मैं तो उड़ू मस्त गगन में, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे है और कुछ नहीं समथिंग। सो ये बात आपको समझनी है, तितली यहाँ पे देखो आप दिख रहा है, ये बटरफ्लाई डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को दिखा रही है। दिस इज दी ओनली वार्निंग मेथड, दैट इज कि ये इस वक्त अटेंटिवली यहाँ पे काम कर रही है और तितली को मतलब कोई इस वक्त किल नहीं कर सकता। तो ये इसका एक जस्ट वार्निंग कलर पैटर्न होता है, ये इनके अंदर रहता है, ऐसा ये वार्निंग करते हैं नेचर में या कुछ ना कुछ समथिंग। सो ये दिस इज दी वार्निंग पैटर्न है इसकी तितली के अंदर। तो ये जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो इसको किल करते हैं तो वो समझ जाएंगे कि
इटली इस वक्त अटेंटिवली काम कर रही है, ठीक है। सो ऐसे सिस्टम रहता है, तो ये सब प्रेडेशन का काम होता है और कुछ नहीं, नथिंग बट, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। नाउ अगला टॉपिक है हमारा कमर्शियलिज्म का। अब आप बोलोगे कि कमर्शियलिज्म क्या होता है, देखो ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, और कमर्शियलिज्म की अगर बात मैं करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखना, आप ध्यान समझना, आपने कभी ना कभी मान लो कोई मैंगो का ट्री है, और मैंगो के ट्री के ऊपर आपने एक पीपल का पेड़ भी देखा होगा, मतलब एक ट्री जिसके अंदर दूसरा ट्री आता हो, कोई डिफरेंट ट्री। सपोज आपने मैंगो का ट्री, गांव वाले बच्चे यहाँ पे ज्यादा देखे रहेंगे, शहर वालों को इमेजिन करना पड़ेगा। अगर मान लो आपके सामने मैंगो का ट्री है, अब उसके अंदर एक ना पीपल का पेड़ या तो कोई और पेड़ भी निकलता है, तो ऐसा होता होगा आपने, इसी को हम कहते हैं कमर्शियलिज्म। ऐसे में क्या होता है ना कि जो प्लांट ग्रो कर रहा है, जैसे कि अभी यहाँ पे पीपल का पेड़ या कोई और भी ट्री है, ये मैंगो के पेड़ में ग्रो कर रहा है, तो यहां से मैंगो के पेड़ को यहाँ पे आपको अच्छे समझना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको मैं फायदा बता रहा हूं। मैंगो का पेड़ जो है, ना तो उसको हार्म होगा ना तो उसको बेनिफिट होगा, मैंगो के पेड़ में कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन यहां पे ध्यान देना अच्छे से, जो ये हमारा पीपल का पेड़ है, ये मैंगो के प्लांट में रह करके ग्रो कर रहा है, तो इसका सिर्फ बेनिफिट होगा। मतलब कि एक ऐसा इंट्रैक्शन है जिसमें एक सिंगल स्पेसीज का सिर्फ बेनिफिट होता है, और ये स्पेसीज जिसके भी अंदर ग्रो करती है तो उसका ना तो हार्म होता है और ना तो उसका बेनिफिट होता है। समझ में आया मैं तक कैसे बोल रहा हूं मैं? ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये दिखाता हूं, यहां पे आपको ये बफेलो दिख रहा है, ठीक है। ये बफेलो देखो कितना खतरनाक है ना, इसका देखो एक सींग अगर किसी को लग गया ना, तो सोचो जरा कि उसकी हालत क्या होगी। 3 दिन तो वो हॉस्पिटल से नहीं उठेगा अगर इसका एक लगेगा पाट्टे से तब पिछवाड़े में, ठीक है। बट क्या करना है अपने को, ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से इसका, है ना। सो देखो क्या है ना, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो फैलो है और इसके अगल बगल देखो यहाँ पे कैटल इग्रेट दिख रहे हैं आपको, ठीक है। आप देखो, आप बोलोगे ये एक साथ साथ में रह रहे, अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इनका ग्रो हो रहा है, आपको मालूम ये सिर्फ इनका ग्रो हो रहा है, लेकिन बफेलो का यहाँ पे कुछ नुकसान नहीं है। बफेलो का ना तो नुकसान है और ना ही बफेलो का यहाँ पे कोई भी लॉस है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इनका क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है सिर्फ साथ में रहने की वजह से। ऐसा क्यों हो रहा है जानते हो? ऐसा इसलिए कि देखो, ये बेसिकली जो ईग्रेट है ये इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। और इंसेक्ट कहाँ रहता है? ग्रास के नीचे, जो ग्रास है ग्रास के नीचे इंसेक्ट रहते हैं। अब ये खुद से तो इंसेक्ट निकाल नहीं सकते, तो जहां पे ये बफेलो घास को खाते हैं तो ये कैसा है, पूरे ग्रास को उखाड़ के खा लेते हैं, मतलब समझ रहे ना, नीचे से ऐसा काट के, ऐसा दांतों से काट के खाते हैं। तो जब ये ऐसा करते हैं ना, तो जो ग्रास है ऊपर आ जाती है और उसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो बाहर निकल के आ जाते हैं, और जब इंसेक्ट बाहर निकल के आ जाएंगे तो ये फटाक से जो बगुले हैं यानी कि कैटल ईग्रेट फटक से उस इंसेक्ट को खा लेते हैं। तो यहाँ पे फायदा किसका हुआ? सिर्फ इस बगुले का हुआ, यानी कि इस कैटल ईग्रेट का हुआ। इसको बेसिकली हिंदी में बगुला कहते हैं, अब आपके यहाँ पे क्या कहते होंगे आई डोंट नो, ठीक है, ये बात आपको समझना है। और तो और इसे इसका नाम कैटल ईग्रेट है, ठीक है, ये आपको समझना है। तो ये बेसिकली इस तरीके से इनका फायदा हो रहा है। तो दिस इज द कमर्शियलिज्म। कमर्शियलिज्म मतलब जिसके साथ रहेंगे उसका ना तो फायदा होगा ना नुकसान होगा। ये तो बफेलो है, वो तो खाएगा ही खाएगा, लेकिन उसकी वजह से सिर्फ इनका फायदा हो रहा है। वैसे कोई कोई प्लांट रहता है तो ये प्लांट तो ग्रो करेगा ही, लेकिन इस प्लांट के अंदर भी बीच में से कोई एक प्लांट ग्रो कर जाता है तो इसका तो ग्रो होना ही होना है, लेकिन इसको भी कोई नुकसान नहीं हो रहा जो मतलब दूसरा प्लांट जिसके ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल एक और आपको एग्जांपल देता हूं, देखो ये फिशेस हैं, ये जो है ये फिश है, ठीक है, और ये फिश जानते हो कहां रह रही है? देखो ये टेंटेकल्स है, ये एक बैक्टीरिया रहती है, इसका एक टेंटेकल से आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जो क्लॉन फिश है ये सी एनिमोन, यानी कि समुद्र के अंदर एक यहाँ पे एनिमोन, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप इसे कुछ तो कुछ कह सकते हो, आई डोंट नो ये क्या होता है, मैं समुद्र के अंदर कभी गया नहीं हूं, बट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये टेंटेकल्स है, जस्ट ये टेंटेकल्स के यहाँ पे क्लोन फिशेस यहाँ पे रहती है, मेरे को फिश का भी ज्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ये जो फिशेस है ये फिशेस यहाँ पे रहकर इनका ग्रो कराती है। हालांकि यहाँ पे देखो ये जो ये सी एनिमोन है इससे तो इसको कुछ नहीं होता है, मतलब सी एनिमोन तो जो है ये तो ग्रो करेगा ही करेगा, लेकिन जो फिशेस हैं इनसे इनका फायदा होता है अगर इनके साथ रहते हैं। तो मतलब फिशेस का और सी एनिमोन के साथ में रहने से सी एनिमोन को तो ना तो फायदा होता है ना हार्म होता है, वो तो जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे फिशेस का बेनिफिट होता है, फिशेस आगे बढ़ जाती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कमर्शियलिज्म, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख के रखा, आप चाहो तो नोट्स इसको ले सकते हो। जो कॉन्सेप्ट है मैंने जितना समझने लायक था उसको मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको, इतना अगर आप एग्जाम में लिखे तो भी फायदे में रहोगे। गाइस एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, यहाँ से बहुत सारे रीजनिंग अगर आप कोई गवर्नमेंट का एग्जाम अगर देते हो तो यहाँ से आपको ये चीज का फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। तो आपको यहाँ पे दिखा दूं, देखो अच्छे समझ लेना कभी भी। देखो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5th of June को मनाते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11th June को मनाते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाते हैं, और वर्ल्ड ओजोन डे 16th September को मनाते हैं। तो अगर एग्जाम में आ गया तो आप लिख देना, अगर कभी कभार पूछ लेता है तो पूछ लेगा, तो लिख देना सारे डेट्स को आपको अच्छे से याद रखना। तो ओजोन डे 16 सितंबर लाइन से याद करना, जून जुलाई अप्रैल
सितंबर, तो पहले अप्रैल याद कर लो, 22 अप्रैल मदर अर्थ डे, ठीक है, मतलब वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर, मिलेंगे ऐसी और किसी न्यू वीडियो में और न्यू चैप्टर में। अभी सिर्फ हमारे 2 चैप्टर ही रह गए हैं, हमारा पूरा 1 से लेकर के पूरा 13 चैप्टर पूरा का पूरा बायोलॉजी में खत्म हो चुका है, ठीक है। सो अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।